हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के साथ। देखिए बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है उसका ओनली यूज है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को फास्टली एंड इजी वे में सॉल्व करना, ठीक है। अगर मैं इन्हें यहाँ पर बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है। समहाउ अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो 10th लेवल का ही हम यूज में लेने वाले हैं। इसमें थोड़ा बहुत हम एड ऑन करने वाले हैं जिससे हम क्वेश्चंस को ज़्यादा फास्टली सॉल्व कर पाएँ, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम मूव नहीं करने वाले हैं, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे नीट के पर्पज को फुलफिल करता हो, जो हमारे नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराते, वो हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री डेट इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स टर्म विच स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्राइंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। डेट मीन्स ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हर चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है। एडिशन सिंबल अगर हम यूज में ले रहे हैं, दो नंबर्स को ऐड करना है, वहाँ एक लॉजिक है। अगर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यूज में ले रहा हूँ तो उसका लॉजिक है मुझे मल्टीप्लाई करना है। सेम अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज की बात करता हूँ तो इसका पर्पज है ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी हमें स्टडी करनी है उस स्टडी को ये ईजी बनाने का एक टूल है। ओनली ट्राइंगल्स के रिलेटेड जो स्टडी है, जो एंगल और साइड के रिलेशंस की स्टडी है, उस रिलेशन को ईजी करने का तरीका है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जैसे 10th में ट्राइंगल्स को एक तो हम ज्योमेट्री फॉर्म में सॉल्व करते हैं और उसका एक अनदर ऑल्टरनेटिव वे हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपल सी बात है, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करने वाले हैं वो बस हम ट्राइंगल्स के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ट्राइंगल की थ्योरी को हमारे को ये प्रूव कर रहा होता है, राइट। सो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बात करता हूँ तो देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना होता है यहाँ पर एंगल, सेकंड हमें यहाँ पे डिस्कस करना है साइड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एंगल क्या चीज़ है, कैसे एंगल को हम मेजर करते हैं, कौन कौन सी यूनिट में हम मेजर करते हैं। देन हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम एंगल को साइड से रिलेट करने वाले हैं और अल्टीमेटली जो हमारा एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल का गोल है उसको हम रीड करते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, डेट इज एंगल। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करता हूँ तो बड़ा सिंपल है। लेट से मैं बोल देता हूँ कि कोई भी पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किल को, कि लेट से मैं बोल देता हूँ ये सेंटर ऑफ द सर्किल है सी एंड कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज ए। इनिशियली पार्टिकल अपना कौन सी पोजीशन पर है, ए पर। अब ये सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है और लेट्स से एक टाइम पर ये मूव करके आ जाता है अपना बी पोजीशन पे। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये ए से बी पोजीशन तक मूव करके गया है तो इसने ए से बी तक जाने में ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया होगा। सेम वे में अगर मैं इसे अनदर तरीके से बोलना चाहूँ तो इनिशियली पार्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में ए पोजीशन पर था, फाइनली पार्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में बी पोजीशन पे आ गया है। अगर ये ए से बी पोजीशन पे मूव करके गया है तो इसने कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल कवर किया होगा, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ पार्टिकल की पोजीशन को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो एक तो पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में और अनदर पोजीशन हम किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, एंगल के रेस्पेक्ट में, राइट। और हमें क्या करना है, बस इन एंगल और साइड को रिलेट कर देना है तो हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट रीड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो बस हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि इस एंगल को कैसे भी हम साइड से रिलेट कर दें। तो देखिए बेटा, ये जो पार्टिकल था इनिशियली ए पर था, अब ये बी पर आ गया है। ए से बी तक आया तो इसने एक पर्टिकुलर लेंथ कवर किया, इस लेंथ को हम बोलते हैं आर्क लेंथ, राइट। और यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ये इसका सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है ए, तो सेंटर टू सर्कमफेरेंस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो ये हो गया हमारा सर्कल का रेडियस आर, ये इसका हो गया आर्क लेंथ ए बी और ये इसने एंगल कवर किया है थीटा। अगर मैं यहाँ पर इन एंगल एंड आर्क लेंथ को रिलेट करता हूँ तो देखिए बेटा, हम डिफाइन करते हैं एंगल डेट इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन ऑफ रेडियस। आर्क लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस,
इफ आई टॉक अबाउट हेयर एंगल इज अ थीटा, हेयर आर्क लेंथ डेट इज अ ए बी, अगर मैं इसको लिख देता हूँ आर्क लेंथ ए बी, इस पर आर्क साइन बना देते हैं, अपॉन ऑफ रेडियस डेट इज कॉल्ड एंगल, डेट इज अ रिलेशन बिटवीन आर्क एंड द एंगल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं बोल देता हूँ कोई भी पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इनिशियली मैं बोल देता हूँ कि ये ए पोजीशन पर था और ये मूव करके फाइनली ए पोजीशन पर ही आ जाता है। अगर ये ए से ए पर मूव करके आया है तो इसने पूरा कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व किया है, अगर इसने कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व किया है तो मैं इसकी लिखता हूँ आर्क लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन कंप्लीट सर्कल इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, सो ये अपना कितना बन जाएगा बेटा 2πr, राइट। पूरा सर्किल के पेरीमीटर कितना होता है अपना 2πr, तो आर्क लेंथ हमारा कितना हो गया 2πr। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा एंगल, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है एंगल विच इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, राइट। सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपना कितना है 2πr, रेडियस अपना कितना है आर, तो यहां से अपना एंगल थीटा डेट इज इक्वल टू अपना आ जाएगा बेटा 2π, राइट। सो यहां पर इसने कितना एंगल कवर किया अपना 2π एंगल। अब बात आती है कि एंगल तो हम डिग्री में चेक करते हैं, यहां पर तो ये 2π आ रहा है। सो देखिए बेटा, यहां पर जो हम एंगल निकालते हैं ये एंगल आता है हमारा रेडियन की फॉर्म में, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो इसकी यूनिट क्या होगी अपनी रेडियन। सो यहां पर एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल डेट इज डिनोटेड बाय थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा अपना 2π रेडियन, राइट। सो एंगल कवर थीटा डेट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा बेटा 2π रेडियन, यहाँ पर रेडियन एंगल की अपनी यूनिट है। एंगल को हम दो फॉर्म में मेजर करते हैं, फर्स्ट इज रेडियन एंड सेकेंड इज डिग्री। डिग्री का मीनिंग क्या है, रेडियन का मीनिंग क्या है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम इतनी सी बात डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले एंगल की कोई भी पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है तो ए से बी तक मूव करने में इसने थीटा एंगल कवर किया, और थीटा एंगल के लिए यहाँ पर अगर मैं कंप्लीट सर्कल का एंगल निकालता हूँ तो ये आ गया हमारा 2π रेडियन, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू नो वेल 360 डिग्री, बिकॉज कोई भी पार्टिकल अगर पूरा सर्कल बनाएगा तो कितना एंगल कवर करेगा 360 डिग्री। तो हियर वी कैन राइट 2π रेडियन एंड अनदर फॉर्म दैट इज क्योंकि कौन से पर्पज का हमें यूज में लेना है ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा। सो देखिए बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल में जब भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एंगल की वैल्यू को, तो हम ऑल टाइम वैल्यू को लिखते हैं रेडियन में, ना कि हम डिग्री में। दैट मींस अगर हमें एंगल को डिग्री फॉर्म में गिवन है तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा तरीका है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर एंगल्स को हम किस में लिखने वाले हैं, रेडियन में। आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो रेडियन में ही है, तो अगर पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है एंगल दैट इज वो रेडियन में है, बिकॉज पाई की वैल्यू हमें नोन होती है, दैट इज आर 22/7 और 3.14, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कि अगर एंगल डिग्री में गिवन है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें। आपको ये कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर लो, आई थिंक एंगल लॉजिक आपको क्लियर होगा, राइट। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमें डिग्री में गिवन है एंगल तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें। तो अपना यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आ गया कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंगल, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। देखिए बेटा, लेट्स से मैं बोल देता हूं कोई भी पार्टिकल है, अगेन सेम कोई सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर है और इनिशियली ये ए पॉइंट पर था, और ये मूव करके अपना फाइनली कहां पर आ जाता है बेटा, बी पॉइंट पर आ जाता है। ए से बी तक ये मूव किया, लेट्स से मैं बोल देता हूं इसने 60 डिग्री एंगल ए से बी तक जाने का कवर किया, राइट। अब मुझे 60 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ये कितना रेडियन इसने कवर किया।
तो अगर मैं ये प्रीवियस डेटा लेने का लेता हूँ, प्रीवियस डेटा में लिखा हुआ है कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल है अपना 360 डिग्री के, दैट मीन आई कैन राइट हियर 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. इन सेम वे इफ आई राइट 1 डिग्री सो दैट विल बिकम इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 डिग्री. If I want to convert this 60 degree into radian, so ये इतना क्या हो जाएगा 2 pi upon 360 multiplied by 60. So देखिए बेटा 2 से तो ये अपना 360 180 times cut हो गया और 60 degree से इसको cut किया तो ये 3 times हो जाता है, ये हमारा कितना आ जाएगा pi by 3 radian. तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें जो याद रखने वाली बात है वो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है अपने 2 पाई रेडियन के. अगर मैं इसको और इजी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा अपना 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन. दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री और डिग्री इंटू रेडियन. बस इस वाले कॉन्सेप्ट से आप किसी भी एंगल को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते. जैसे अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 45 डिग्री एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन राइट. सो आपने लॉजिक पढ़ रखा है भाई कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन, मुझे तो बस इतनी सी बात आती है. अब मुझे इस 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो फिर मैं लिखने वाला हूं बेटा 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन राइट. मुझे किसको कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को, सो 45 डिग्री दैट विल बिकम इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 45. अरे अगर मैं इसे 45 से कट करूंगा तो ये अपना कितना आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन. अंडरस्टूड राइट. देखिए सिंपल है कि जो हमें याद रखना है वो है 180 डिग्री किसके इक्वल है बेटा पाई रेडियन के. अगर ये 180 पाई के है तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 के. अगर ये 5 बाय 180 के है 45 को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किया 45 से डायरेक्टली क्या आ गया अपना पाई बाय 4 रेडियन. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से आपको गिवन है आपको कन्वर्ट करना है 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. 75 डिग्री को हमें किस में बदलना है रेडियन में कि ये x रेडियन है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा. सो लॉजिक क्या आने वाला है अपने इसमें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. सीधा सीधा लिख दो यहां पर 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन. अगर मैं यहां से बात करता हूं सो 1 डिग्री ये अपना कितना हो जाएगा बेटा पाई बाई 180 रेडियन. सिंपल फॉर्मूला अगेन अब मुझे कन्वर्ट कितने को करना है 75 को तो 75 डिग्री क्या हो जाएगा अपना पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 75. और अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करूंगा 75 को तो ये 15 से हम कट करते हैं इसको तो ये तो हमारे लिए 5 टाइम्स और ये अपना कितना गया बेटा 12 टाइम्स राइट. सो यहां से अपना कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 12 रेडियन. सो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंपाइल करता हूं तो हम टर्म की बात कर रहे थे एंगल की. एंगल में मैंने आपको बताया कि इसको दो फॉर्म में हम मेजर कर रहे होते हैं. फर्स्ट फॉर्म होगी अपनी डिग्री और सेकंड फॉर्म अपनी क्या होगी रेडियन. और कन्वर्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू अपना क्या होगा पाई रेडियन. इसकी हेल्प से हम एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ये तो होता है हमारा एंगल स्टडी. मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का पर्पज है एंगल और साइड को हमें रिलेट कर देना है. अगर आप इसको देखो तो एंगल और साइड को हम समाउ रिलेट कर ही रहे हैं बस यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है. हमें एंगल की समझ होनी चाहिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की समझ होनी चाहिए तो हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री को यूज में ले सकते हैं. एक बेसिक सा फंडा है बस एंगल्स के लिए हमें क्लियर हो डिग्री और रेडियन का मतलब पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं कैसे कैसे उनको डिफाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है सो एक बार आप ये कॉपी कर लो उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में. यहाँ पर आप एंगल के बारे में लिख सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो आप इस बॉक्स को मेरी तरह. ठीक है देखिए अगर मैं जैसे इसका अपोजिट की बात कर लेता हूँ दोनों तरीके से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एक क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में बदल लेते हैं और डिग्री में गिवन है तो उसे रेडियन में बदल लेते हैं.
फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि यू हैव टू कन्वर्ट 7 पाई बाई 12 इनटू डिग्री. फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है हमारा 7 पाई बाई 12 रेडियन है जिसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है. और सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपको गिवन है बेटा 240 डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन. राइट, तो दोनों क्वेश्चन की स्टडी करते हैं. मैंने बोला है कि अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है चाहे डिग्री से रेडियन में बदलना है, और ये एक सिंगल फॉर्मूला हमारा यूज में आएगा 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन. दोनों जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो अपना आंसर आ जाएगा. पर्पल आइडेंटिफाई करना होगा, बस पर्पल आइडेंटिफाई करोगे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. जैसे यहाँ पर रेडियन को किसमें बदलना है डिग्री में, तो आपने पढ़ा था भाई पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 1 रेडियन That is equal to 180 degree upon pi. So, कितने रेडियन को बदलना है हमें? 7 pi by 12 रेडियन को. किसमें बदलना है? डिग्री में. तो इससे क्या हो जाएगा अपना? मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 pi by 12. पाई से तो अपना पाई क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया. 12 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये हमारा कितने टाइम्स कट हो गया? 15 टाइम्स. एंड 15 इंटू 7 करोगे तो अपना कितना आ जाएगा? 105 डिग्री. राइट, सो यहाँ पर ये टोटल कितना एंगल हो गया अपना? 105 डिग्री. इन सेम अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो वही सेम फॉर्मूला 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, बस सिंपल सा है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. तो यहां से मैं अगर लिखूंगा 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन. सो 1 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. सो देन 240 डिग्री That is equal to pi by 180 multiplied by 240. और इसको 4 and 3 से कट किया तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 pi by 3 degree. That is very simple form. Right? So, सबसे पहला तो आ गया हमारा एंगल. एंगल का आ गया हमारा डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन. So, मैं इसके साथ आपको प्रैक्टिस मॉड्यूल दूंगा, उनमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपकी और प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी. राइट, तो अगर किसी को एक कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो साथ के साथ, और अदरवाइज यू कैन टेक फोटोज आल्सो. जिसकी वे में आपको सेव करना है उसमें आप सेव कर सकते हो. ये तो होगी बेटा हमारी पहली एंगल की बात. अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे उनको हम डिफाइन कर रहे होते हैं. देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 10th में पढ़े हैं. टोटल 6 फंक्शन की हम बात करते हैं. फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टैन थीटा, फोर्थ इज कोसेक. साइन का दूसरा भाई कोसेक, कॉस का दूसरा भाई सेक, एंड टैन का दूसरा भाई कॉस. तो टोटल आपके पास कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर्स. और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाते हैं अपने? 6. तो इनको डिफाइन करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है कि लेट्स से मैं बोल देता हूं वो सेम सर्किल फॉर्म हम यूज में ले लेते हैं कि लेट्स से आपको गिवन है ये कोई भी एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है सी और ये इसका कोई भी पॉइंट है. ठीक है, कोई भी पार्टिकल मूव करके ए से कहां पर आ जाता है? बी पोजीशन पर आ जाता है. वैसे मैं बोल देता हूं बेटा कि ये जो पोजीशन है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अपने बी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने एक्स कॉमा वाई. ठीक है, और ये जो सेंटर है इसको मैं ऑरिजिन ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 0, 0. राइट, सो अगर मैं यहां पर बात करूंगा यहाँ पर फर्स्ट बताता है एक्स कोऑर्डिनेट को और सेकंड क्या बताएगा? वाई कोऑर्डिनेट को. दैट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो अपनी कितनी होगी बेटा? एक्स. ये वाली अपनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स. अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी क्या हो जाएगी बेटा? वाई. और ये अपना क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस के ऊपर. ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं सेपरेट करके बता देता हूँ कि आपको ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है. ठीक है, ये वाली जो साइड है ये है x, ये जो साइड है ये है y, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस जिसको हमने रेडियस r से भी डिनोट किया है. और आपने पढ़ रखा है x पर का पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस दैट विल बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस लेंथ अपनी क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो ये हमारा कोई भी राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को बोल रहे हैं क्योंकि एक एंगल इसमें कितना होता है बेटा अपना? 90 डिग्री. यहाँ पर जैसे ये कोई दूसरा एंगल है इसको मैं लिख देता हूँ थीटा. देखिए बेटा, पहले तो हम ट्राइंगल को समझ लेते हैं. यहाँ पर ये तो हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल के सामने की जो साइड है जो
जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है उस अपोजिट साइड को हम बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज। इस अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज। सेकंड जो एंगल है एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ऑल टाइम याद रखना एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर और राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा अपना हाइपोटेन्यूज एंड अनदर साइड अपना क्या रह जाएगा बेटा बेस। So, ट्रायंगल में तीन साइड होगी एक तो अपना क्या हो गया बेटा बेस हो गया ये अपना क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया और थर्ड अपना हाइपोटेन्यूज हो गया थर्ड इज हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। साइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंगल का अपोजिट इज परपेंडिकुलर ये याद रखने वाली बात है जो एंगल है उसका अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं बोलता ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं अल्फा तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये पर इसका अपोजिट साइड क्या होगी ये वाली तो ये क्या हो गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया। इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है ये वाली तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया वाई और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो गया एक्स जो याद रखने वाली बात है। और टाइम एंगल का अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर राइट एंगल का अपोजिट साइड अपना क्या होगा हाइपोटेन्यूज ठीक है। ये तो हो गया हमारा राइट एंगल की प्रॉपर्टी। अब मैंने बोला कि टोटल हमारे सिक्स फंक्शन होते हैं तो एक एक फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं बेटा फर्स्ट फंक्शन की फर्स्ट मैं ले लेता हूं साइन थीटा। मैं कौन सा एंगल लेके चल रहा हूं यहां पर थीटा तो पहला मैं ले लेता हूं साइन थीटा। सो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू हमारा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारा क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट। यहां पर थीटा का अपोजिट साइड क्या है बेटा ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर ये अपना क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो परपेंडिकुलर की लेंथ अपनी कितनी है वाई और अगर मैं हाइपोटेन्यूज का पुट करता हूँ तो हाइपोटेन्यूज की अपनी लेंथ कितनी है आर। सो साइन थीटा अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई अपॉन आर। इन सेम वे अगर मैं अनदर फंक्शन ले लेता हूँ कॉस थीटा बात सही है ठीक है। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ दूसरा फंक्शन तो cos थीटा होता है बेटा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट। तो यहां पर cos थीटा क्या आ जाएगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बेस लेंथ की बात करूं तो बेस लेंथ हमें कितना गिवन है x और हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है r तो cos थीटा कितना हो जाएगा अपना x अपॉन r। सिंपल है ये तुम्हें याद रखना है sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल और साइड्स का रिलेशन है जो अपना डिग्नोमेट्री। अगर मैं जैसे थर्ड बात करता हूँ tan थीटा की सो tan थीटा दैट इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस ये हो गया अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपना यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना गिवन है वाई और बेस कितना गिवन है x तो tan थीटा क्या हो जाएगा अपना वाई अपॉन एक्स ठीक है। इन सेम मैंने बोला कि टोटल थ्री पेयर्स होते हैं टोटल सिक्स फंक्शंस होते हैं तो थ्री पेयर्स में पहला हो गया अपना साइन थीटा और इसका भाई होता है अपोजिट कोसाइन थीटा जिसको मैं लिख सकता हूं बेटा दैट इज 1 अपॉन कोसाइन थीटा। साइन थीटा और कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन थीटा। इन सेम वे कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इन सेम वे टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पर इन टोटल तीन फंक्शन से तीन न्यू रिलेशन हमारा है तो टोटल फंक्शन अपने कितने हो जाते हैं सिक्स और ये इनके आपस में ट्राइंगल के साथ रिलेशन है। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया और एक हाइपोटेन्यूज हो गया। साइड्स को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जो बहुत सिंपल सी बात है एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर और राइट एंगल के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमने फंक्शंस को डिफाइन किया है पहला होता है साइन थीटा दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ साइन थीटा दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा कॉस थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा और टेन थीटा दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। सिंपल समझ लीजिए राइट। सो आप ये नोट डाउन कर लो ये हो गए हमारे टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं एक हो गया एंगल और दूसरे हो गए कौन कौन से अपने फंक्शंस हैं ठीक है। तो ये में से आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम मूव करते हैं अपने न्यू सब टॉपिक, थर्ड सब टॉपिक के पास, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से मीनिंग क्या है। जैसे हर एक एंगल की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा टेंथ तक कि साइन थीटा है, अगर मैं यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट कर देता हूँ 30 डिग्री, तो साइन 30 की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सेम थीटा अगर 45 है तो कॉस 45 की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे, अगर आपको कोई भी एंगल्स गिवन है तो उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगाने पे वैल्यूज क्या निकल के आएगी। अब अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूं तो नंबर्स तो 1 डिग्री टू इनफाइनाइट डिग्री पॉसिबल है। सो देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि हम सारे एंगल्स की वैल्यूज याद रखते हैं, सारे एंगल्स की वैल्यूज निकालते हैं। हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स ही यूज में लेते हैं और वो स्टैंडर्ड एंगल की ही वैल्यू हमें निकालनी है। हमें ऐसा नहीं है कि सारे एंगल्स को याद रखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री, नहीं। हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो आपने 10 तक पढ़े हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज को हमें लर्न करना होता है। और इसके रेस्पेक्ट में हम इनके मल्टीपल्स की भी वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन इनके बीच की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। इनके बीच की वैल्यू हमसे पेपर में नहीं पूछने वाला है, और अगर पूछेगा तो वो क्वेश्चन में वैल्यूज लिख कर भी देगा। ठीक है, सो बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होगा। उससे पहले मैं इस पूरे रिलेशन को एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जिससे हमें वैल्यूज को समझना और भी आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको बेटा ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ये जो एंगल है ये है अपना 37 डिग्री, ये हो गया अपना 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा था ट्रायंगल्स का एंगल सम कितना होता है, 180। ये 90 हो गया, ये अपना 37 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल अपना कितना हो जाएगा बेटा, 53। ठीक है, यहाँ पर अगर एंगल 37 है, ये ट्राइंगल ट्राइंगल आपको याद भी रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है जो फिजिक्स के काफी न्यूमेरिकल्स में यूज में आएगा। 37 के सामने वाली जो साइड होती है उसकी लेंथ होती है 3, 37 की जो बेस लाइन है इसकी लेंथ होगी अपनी 4, और हाइपोटेनस की जो बेटा अपनी लेंथ होती है ये होती है 5। दैट मींस 3, 4 and 5 meter की लेंथ का जो ट्रायंगल है उसके एंगल फॉर्म हो गया आपके 37, 53, और राइट एंगल है तो ए हो जाएगा अपना 90। ठीक है, अगर इस रेस्पेक्ट में जैसे मुझे लिखना है बेटा साइन 37 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के अलावा हम दो वैल्यूज का यूज में लेते हैं, एक लेते हैं 37 डिग्री और एक लेते हैं 53 डिग्री। इनकी भी वैल्यू सम्स पेपर में गिवन नहीं होती है, तो इनको भी हम ट्राइंगल से याद रख सकते हैं। 3, 4, 5 का ट्राइंगल होगा, मुझे जैसे कैलकुलेट करना है बेटा साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा 37 इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा साइन थीटा तो ये है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इधर परपेंडिकुलर दैट इज 3 एंड हाइपोटेनियस दैट इज 5, राइट। जैसे मुझे निकालना है cos 37 की वैल्यू क्या होगी, आप भी साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे जैसे cos 37 निकालना है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से ये अपना क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर बेस कितना है बेटा अपना 4, हाइपोटेनियस कितना है अपना 5, तो ये अपना कितना हो जाएगा 4/5, राइट। जैसे मुझे निकालना है अपना tan 37, ठीक है, अगर मैं tan 37 की बात करता हूं, tan थीटा क्या होगा बेटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं बात करूंगा एंगल की अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये तो बड़ा सिंपल सा है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर एंगल की अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, दैट इज 3, और बेस लाइन इज 4, सो tan 37 दैट इज 3/4, राइट, दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक, राइट। जैसे थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं, अब 53 के लिए बात करते हैं, मुझे कैलकुलेट करना है भाई tan 53 की वैल्यू क्या होगी। अब ये कैसे निकालें,
तो सबसे पहले अगर फंक्शन देख रहा हूं तो कौन सा फंक्शन है, टैन, टैन फंक्शन है तो कैसे डिफाइन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया, ये हो गया हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मींस मुझे अगर 1053 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसका परपेंडिकुलर की लेंथ पता लग जाए, मुझे इसके बेस की लेंथ पता लग जाए, तो मैं बता दूंगा 1053 की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं परपेंडिकुलर लेंथ और बेस लेंथ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, पहले 53 एंगल को सर्च किया, ये हमारा 53 एंगल है। 53 एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो मिलेगा हमें 4, तो अपोजिट साइड क्या होगी, बेस, बेस कितना मिलेगा 3। दैट मींस 1053 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 4/3, राइट। जैसे मुझे निकालना है कि sec 53 की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिफाई करना है sec 53 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे तो sec की वैल्यू तो नहीं पता, sec का फंक्शन भी नहीं पता, बट वी नो द वन थिंग, sec थीटा इज अ 1 अपॉन cos थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos 53, राइट। अब बस मुझे cos 53 की वैल्यू पता लग जाए तो sec की वैल्यू तो ऑटोमेटिक अपनी निकल जाएगी, राइट। चलिए मैं cos की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं cos थीटा की बात करता हूं तो ये हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दैट मीन मुझे बेस आइडेंटिफाई करना है एंड हाइपोटेन्यूस आइडेंटिफाई करना है, अल्टीमेटली हमारी sec की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो अपोजिट क्या बन गया अपना, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बन गया, राइट। देखिए चलो आइडेंटिफाई करते हैं, एंगल कितना है 53, ये हो गया 53, 53 की अपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया बेस। मुझे कौन सी लेंथ चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस कितना है 5, सेकंड मुझे बेस चाहिए, बेस कितना बेटा अपना 3, तो यहां पर ये हमारा क्या आ जाएगा 5 अपॉन, ठीक है बेटा। ये जो sec 53 की वैल्यू है ये क्या आ गई अपनी 5/3। मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस यूज में लिया है ये, हालांकि इसमें मैंने 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी ये सारी वैल्यूज आप डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर लोगे, इवन विद द टाइम आपको ये सारी वैल्यूज लर्न हो जाती है, बिकॉज हम इतनी बार ये ट्राइंगल यूज में लेने वाले हैं कम्प्लीट 11th and 12th की फिजिक्स में, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर लोगे। अभी फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं तो इनको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से भी डिफाइन कर रहे हैं, देन आप ये वाला स्टेप मिस करके डायरेक्ट लिखने लगोगे, एक टाइम पे आप डायरेक्ट ही वैल्यूज ही लिखने लग जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये ट्राइंगल काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशन को भी अच्छे से समझा देता है। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, बची हुई वैल्यूज को आप प्रैक्टिस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आप ये कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम निकालते हैं अदर एंगल्स की वैल्यूज क्या होगी, और अदर एंगल्स में हम किनकी बात करेंगे, ओनली स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करेंगे, हम ओनली और ओनली स्टैंडर्ड वैल्यूज ही निकालने वाले हैं। तो आप ये यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। So, अपने थर्ड टॉपिक पर आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर, कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या क्या होंगी। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो हम जो भी वैल्यूज निकालने वाले हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही निकालने वाले हैं। दैट मीन्स हम जो वैल्यूज निकालेंगे वो निकालेंगे 0° के लिए, जो वैल्यूज निकालेंगे वो निकालेंगे 30° के लिए, अगला निकालेंगे हम 45° के लिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे 60° के लिए, उससे नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं 90°। ये हो गया डिग्री में, अगर मैं इसको रेडियन में लिखता तो 0° इज अ 0 रेडियन, दैट इज अ π/6 रेडियन, 45 इज अ π/4। आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको कन्वर्जन का तरीका भी बता रखा है, 60° दैट इज अ π/3 रेडियन एंड 90° दैट इज अ π/2 रेडियन। तो आप यहाँ पर इनको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी इन एंगल्स के लिए, और ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ भी रखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी आइडिया अपनी नहीं है। जैसे मैं पहला फंक्शन ले लेता हूँ साइन, सेकंड ले लेते हैं हम कॉस, और थर्ड ले लेते हैं टैन, और इनके रिलेटिव से हमारी बाकी वैल्यूज निकल जाएंगी। साइन की वैल्यू की बात करते हैं बेटा,
देन cos की वैल्यू निकालते हैं, सेम वे में हम tan की वैल्यू निकालते हैं और रिलेटेडली बाकी रिमेनिंग तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे sin की अगर मैं लिखता हूं तो sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है अपनी 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है अपनी 1/3। अब बात आती है वैल्यू आई कैसे, ये स्टैंडर्ड एंगल्स के रेस्पेक्ट में मेजर की हुई है, ठीक है। इनको आपको 0 टू 90 तक की जो वैल्यूज है उनको याद रखना है, उसके बाद बाकी के एंगल्स की वैल्यूज आप उनको यूज में लेके निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे वो सारा हम आगे वीडियोज में डिस्कस भी करने वाले हैं। बस आपको जो फोकस करना है वो 0 टू 90 तक की वैल्यूज को एक बार याद रखना है, जो आपने टेंथ में किया भी होगा। देखो इसकी भी ट्रिक है लेकिन वो ट्रिक इतनी फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। वो बस वैल्यूज निकालने के लिए ट्रिक है कि आप ऐसे नंबर असाइन कर दो 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड विद द 4, देन टेक द स्क्वायर रूट, इन सभी का आप स्क्वायर रूट ले लो और स्क्वायर रूट लेने के बाद इसे सॉल्व कर लो तो 4 / 0 = 0, ये आ जाएगा अपना 1/2, ये हमारा आ जाएगा बेटा 1/√2, ये हमारा आ जाएगा बेटा √3/2 और 4/4 1 और 1 का √ क्या होगा 1। तो ये तो साइन की वैल्यू जो होगी, कॉस में वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, ये हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा √3/2, ये हमारा सेम 1/√2, ये इधर जाएगा अपना 1/2 और ये क्या हो जाएगा अपना 0। तो ये साइन की वैल्यूज हो गई, ये हमारी कॉस की हो गई। अगर साइन और कॉस की बताए तो टेन की आ जाती है, बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन, सो 0/1 = 0, 1/2/√3/2 इज 1/√3, 1/√2 / 1/√2 दैट इज 1, √3/2/1/√2 इज √3 एंड 1/0 दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी। सो ये अपना क्या आ गया बेटा, टेन की वैल्यूज भी आ गई। इन सेम वे यू कैन आइडेंटिफाई कॉट वैल्यूज, अभी आपने पढ़ा है cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1/tan थीटा, अगर मैं cot थीटा की बात करूं तो क्या होगा 1/tan थीटा, अगर मैं यहां पे लिख लूं बेटा इसका 1/ करते जाओ तो 1/0 इज इनफाइनाइट, 1/√3 ये क्या हो जाएगा √3, 1/1 इज 1, 1/√3 इज 1/√3 एंड 1/∞, अगर मैं यहां पर इसको उल्टा करूंगा तो 1/1 से ये अपना क्या आ जाएगा 0, अगर उल्टा करोगे तो 0/1 हो गया, 0/1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे मैं फिर बात करता हूँ बेटा sec थीटा, तो sec थीटा क्या होगा अपना 1/cos थीटा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/cos थीटा, 1/1 = 1, 1/cos थीटा ये अपना क्या हो गया 2/√3, 1/1/√2 तो ये अपना कितना आ गया √2, 1/1/2 = 2, 1/0 = ∞, राइट। इन सेम वे If I have to identify cosec theta, ये अपना क्या हो जाएगा 1/sin θ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/0 तो ये तो पहले इनफाइनाइट आ गया, 1/1/2 = 2 that is √2, इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 और 1/1 = 1, राइट। सो देखिए बेटा अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यूज आती है वो आती है अपनी 0 to 90 degree तक, 0 to 90 में हमें इनकी वैल्यूज को लर्न करना है कि जितनी भी वैल्यूज है हमें डायरेक्टली याद हो तो हम डायरेक्टली यूज ले लें। देखिए याद रखने का लॉजिक ये है, एक्चुअली जो हमारा नीट का एग्जाम है वो ओनली इस बात पर ही डिपेंड नहीं करता है कि हमें कितना नॉलेज है, एडिशनली वो डिपेंड करता है कि हम कितना टाइमली उसे सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमें उसे कम टाइम में सॉल्व करना है तो कुछ वैल्यूज कुछ फॉर्मूलाज हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो इसलिए इसको तो आपको रट लेना है, 0 to 90 degree तक की वैल्यू आपको साइन कॉस और टैन की याद हो, बाकी आप रिलेटिव करके निकाल सकते हो, बस आपको उल्टा करना है, उल्टा करके आप इनकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अप टू 0 degree से लेकर 90 degree, ये है हमारा फर्स्ट फेज। इसके बाद एक सेकेंड फेज आता है, सेकेंड फेज बोलता है कि मोर देन 90 एंगल हो या एंगल नेगेटिव में हो तो उन वैल्यूज को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ये वाला कॉपी कर लो, इसके बाद हम बात करते हैं मोर देन 90 के एंगल की, हम बात करते हैं नेगेटिव एंगल की, उनकी वैल्यूज को भी हमें कैसे निकालना है, वो भी एक सिंपल सा तरीका है, उन पर हम उन वैल्यूज की बात करेंगे। तो एक बार आप यहाँ तक कॉपी कर लो, मैंने देखी
आपको ये वाली वैल्यू बताई है, इनके अलावा एडिशन मैंने आपको बताया 37 डिग्री और एक मैंने आपको बताया 53 डिग्री, ये भी हमारा काफी यूजफुल है, इनको भी आपको मिस नहीं करना है। इसके लिए आपको ट्राइंगल को याद रखना है 3-4-5 ट्राइंगल, तो ये आप कॉपी करो बेटा। अब बात करते हैं बेटा मोर देन 90 डिग्री की वैल्यूज हमें कैसे निकालनी है, मोर देन 180 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालनी है, मोर देन 360 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालनी है, या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल, इवन वो थाउजेंड्स में हो और इवन वो करोड़ में हो, तो उनकी वैल्यूज को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। वैसे हमारा काम 180-360 के लेवल तक हो जाता है, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से आप कोई भी एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोर देन 90 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के साथ, सेम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। देखिए बेटा इस चीज को समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने पढ़ा था है ग्राफ्स में एक हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं और एक हम वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस। जैसे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एक हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ओवरऑल हमने एक प्लस साइड बना दिया, राइट। देखिए बेटा ये जो प्लस साइड है ये कंप्लीट बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर इनिशियली मैं बैठा हुआ हूँ और इनिशियली एंगल अपना कितना 0 डिग्री। अब मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इधर से मूव कर रहा हूँ, और कैसे मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे मूव करते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर मैं मूव करके इस लाइन पे आता हूं तो टोटल मैंने कितना एंगल मूव कर लिया 90 डिग्री। तो देखिए बेटा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो मुझे जो एंगल का काम लेना है वो लेना है हमें पॉजिटिव। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं, जैसे मैं ऐसे क्लॉकवाइज नीचे आ रहा हूं, अगर मूव कर रहा हूं क्लॉकवाइज, तो अब मैं मूव करके इस लाइन पे आया तो ये हो जाएगा हमारा -90। जीरो डिग्री मैं मूव करके आया तो ये हो गया अपना 90 डिग्री। फिर मैं वापस मूव करके आया तो ये अपना हो गया 180 डिग्री। देन मैं अगेन मूव करके आया तो ये अपना हो गया बेटा 270 डिग्री। इसके बाद फिर मैं अगेन मूव करके आया तो वापस यहाँ पर अपना कितना 360। और इस रेस्पेक्ट में अपना सर्कल चलता रहेगा, पूरा सर्कल ओवर हो गया 360 का, 0, 90, 180, 270, 360। देन फिर 90 एड होगा 450, फिर 90 एड होगा, इस दिन में पैटर्न अपना चलता हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्लस साइन की, ये जो प्लस साइन है ये प्लस साइन ने क्या किया, व्हाइट बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये 1, 2, 3, 4 टोटल 4 पार्ट्स में व्हाइट बोर्ड को डिवाइड कर दिया। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये अपना अगला नेक्स्ट आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये अपना नेक्स्ट आ गया ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए 4 में, तो अपने टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गए 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये होगी पहली चीज। देखिए अब क्वाड्रेंट का लॉजिक क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब क्या है, अगर कोई भी एंगल 0 टू 90 के बीच में है, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उन सब की वैल्यू ऑल टाइम पॉजिटिव होगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी। देखिए दो चीज होती है, एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कितनी है और एक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करता है वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, फिर दूसरा जो हमारी टेबल है वो आइडेंटिफाई करती है उसका अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले हमने साइन आइडेंटिफाई कर लिया, अगर एंगल 0 टू 90 के बीच में है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो वैल्यू ऐसी होगी सारे फंक्शंस की पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, राइट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन है एंड कोसाइन फंक्शन है इनकी वैल्यू तो अपनी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव, और इनके अलावा बाकी के रिमेनिंग जो फोर फंक्शन है उनकी वैल्यू अपनी हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव। So, 90 to 180 में साइन एंड कॉसाइन अपने कैसे होने वाले हैं पॉजिटिव और रिमेनिंग फंक्शन अपने कैसे होने वाले हैं बेटा नेगेटिव। नाउ अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो यहां पर टेन एंड कॉट ये हमारे दोनों पार्ट जो फंक्शन है ये तो कैसे होंगे अपने पॉजिटिव और रिमेनिंग फोर यहाँ पर कैसे हो जाएंगे अपने नेगेटिव, राइट। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूं तो फोर्थ में हमारा बचा हुआ क्या है कॉस एंड से ये तो अपने कैसे होंगे बेटा पॉजिटिव और रिमेनिंग फोर अपने क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। यहां से तो हमें वैल्यूज का साइन आइडेंटिफाई हो गया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कहने का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है साइन 240, आपको गिवन है बेटा कॉसेक 150, आपको गिवन है बेटा कॉस 240, ठीक है, और आपको गिवन है बेटा टेन 330, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले अगर मैं इनके साइन की बात करता हूँ कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो 240 180 270 के बीच में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में कौन पॉजिटिव 10 पॉजिटिव और कौन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, दैट मीन्स इसकी वैल्यू अपनी कैसे आने वाली है नेगेटिव आने वाली है, पहली चीज आइडेंटिफाई। जैसे कोसेक 150 90 to 180 के बीच में आ गया कोसेक 90 to 180 के बीच में आ गया तो कोसेक 150 की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, कॉस 240 अगेन इसमें आ गया इसमें क्या कॉस पॉजिटिव है नहीं है दैट मींस की वैल्यू अपनी कैसी आने वाली है नेगेटिव, राइट। अगला आ गया 10 330 270 से 360 में आ गया 10 यहां पर तो कॉस और साइन की पॉजिटिव है 10 तो इधर है नहीं दैट मींस 10 की वैल्यू कैसी आने वाली है अपनी। तो ये अपना आइडेंटिफाई हो गया इस क्वाड्रेंट से साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हमारी फर्स्ट स्टेज कवर होगी। अब सेकंड स्टेज आती है बस अब इनकी वैल्यू और पता लग जाए तो अपना पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। और वैल्यू पता लगाने के लिए दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, वो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये क्वाड्रेंट बना लो, ये क्वाड्रेंट हमें हेल्प करेगा एंगल साइन फंक्शन कॉस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए ये आइडेंटिफाई करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कॉपी कर लो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपको एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकालनी है। साइन आइडेंटिफाई हमारा हो चुका है, राइट। सो यू कैन कॉपी दिस, देखिए देखो मैं आपको ऐसे पहले दो फॉर्मूले बताऊंगा जिनसे अपना पूरा काम हो जाएगा, उसके अलावा फिर अदर फॉर्मूला भी है वो भी हम रीड कर सकते हैं, वो भी वैसे हमारा काम दो फॉर्मूला से हो जाएगा, हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है कि आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला है जैसे साइन निकला है और साइन में आपको लिखा हुआ है बेटा 180 प्लस माइनस अगर आपको एंगल निकालना है 180 प्लस माइनस थीटा इसका मतलब क्या है ये भी आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो साइन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। ओनली बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है साइन की आप पॉजिटिव कर रहे हैं नेगेटिव, जो आप आइडेंटिफाई किससे कर देते हैं मतलब क्वाड्रेंट रूल से जो मैंने आपको बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है बेटा साइन 150 आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप इसको 180 की फॉर्म में लिखो, आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा साइन 180 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30 साइन 150 को क्या लिख दिया 180 माइनस 30 डैट इज इक्वल, मैंने बोला 180 प्लस माइनस थीटा हो तो डायरेक्टली क्या लिखोगे साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 30 तो इसको लिख दिया साइन 30, ठीक है। अब बस आइडेंटिफाई करना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये एंगल कितना है 150 क्वाड्रेंट रूल मैंने बताया था क्वाड्रेंट में ये 90 है ये 180 है ये अपना 270 है ये अपना 360 है, एक बार थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ये 90 है ये 180 है,
तो 150 यहाँ पर आ गया। सेकंड में साइन कैसा होगा अपना? पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन क्या आ गया अपना? पॉजिटिव। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता है, दैट इज 1/2। तो साइन 150 कितना हो गया अपना? 1/2। एकदम इजी है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको निकालना है साइन 240 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज साइन 180° + 60° सिंपल। 180 प्लस माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो ये तो डायरेक्टली लिख दिया साइन 60। वैल्यू तो अपने निकल गए, साइन निकालना मैंने ऑलरेडी बता रखा है 240। 180 टू 270 की टेबल में आ गए, तो यहाँ पर साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या आ गया अपना? साइन नेगेटिव। तो सिंबल तो हो गया नेगेटिव, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 240 अपना कितना आ गया बेटा? -√3/2। राइट, जैसे एक और एग्जाम्पल ले, मुझे निकालना है साइन 225°। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अपना साइन 180° + 45°। राइट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 180 + -θ, तो साइन थीटा। ठीक है, अब ओनली आइडेंटिफाई क्या करना है? सिंपल, कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो एंगल कितना है? 225। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। यहाँ साइन क्या आ गया? माइनस। और साइन 45 अपना कितना होगा बेटा? 1/√2। राइट, सो देखिए 90 से बड़ी वैल्यूज भी हमने डायरेक्टली एक सिंपल से फॉर्मूले से निकाल ली, और वो फॉर्मूला क्या है अपना? साइन 180 + -θ दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बस आपको जो एंगल है उसको 180 की टर्म्स में आपको ब्रेक कर देना है, तो आपको ये भी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर ये तो बात हो गई साइन की, चलो साइन की बात तो ईजी है, अगर कॉस होता तो क्या करते? तो सेम फॉर्मूला किसके लिए बन जाता हमारा? कॉस के लिए। सेम फॉर्मूला हमारा बन जाता टेन के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कि कॉस ऑफ 180 + -θ, तो आप इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा कॉस थीटा, और आपके साइन आ जाएगा प्लस माइनस, जो आप एनालाइज कर सकते हो क्वाड्रेंट रूल के बेसिस पर। क्वाड्रेंट रूल से आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है और नेगेटिव आने वाला है। राइट, जैसे इसके भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वही सेम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 240। कॉस 240 की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, इसको पहले 180 पे ब्रेक कर लूँ, तो ये हो गया अपना 180° + 60°। राइट, और 180 + -θ इज कॉस थीटा। तो वैल्यू तो आपने निकल के आ गई बेटा यहाँ कॉस 60। अब ओनली आइडेंटिफाई करना है सिंबल, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो सिंबल के लिए यहाँ पर आ गए क्वाड्रेंट रूल पर। क्वाड्रेंट रूल में एंगल कितना? 240, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब कॉस कैसा हो गया? नेगेटिव। और कॉस नेगेटिव, तो कॉस 60 क्या होगा? 1/2। इसकी वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी बेटा? -k/1/2। जैसे मुझे निकालना है कि यहाँ पर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कॉस ऑफ 120°। ठीक है, तो मैंने बोला इसको आप स्प्लिट करो बेटा 180 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 180° - 60°। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो cos 180 + -θ इज cos थीटा, तो ये तो हमारा क्या आ गया? cos 60 आ गया। ठीक है, अब ओनली आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पर सिंबल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव हम किससे निकालने वाले हैं? क्वाड्रेंट रूल से। क्वाड्रेंट रूल में 120 इसमें आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर cos कैसा होगा? नेगेटिव। और यहाँ से भी इसकी वैल्यू अगेन क्या आ गई हमकी? -1/2 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है कि अगर एंगल ज्यादा भी है 90 से तो भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या करना है? बस एक स्टेप ही, ज्यादा लिखना है 180 के तरीके से लिख दो और आंसर अपने आप आ जाएगा। सिंपल निकालना हमने सीख ही लिया। तो कॉस के लिए फॉर्मूला हमारा ले गया। चलो भाई, साइन की बात हो गई, कॉस की बात हो गई, अब बात आती है टेन के लिए क्या गया जाए। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमारा किसके लिए वैलिड हो जाएगा? टेन के लिए वैलिड होगा। कहने का मतलब है, जैसे अगर आपको गिवन है tan 180 + -θ, सो वी कैन आल्सो राइट इट tan थीटा, और ओनली हमें आइडेंटिफाई करना होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो हमारा किससे आने वाला है? क्वाड्रेंट रूल से आने वाला है। कैसे?
चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना है टेन ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तरीका क्या होगा, इसको किसके किसमें स्प्लिट कर दो, 180 में। तो इसको अगर मैं लिखूंगा टेन ऑफ 135 तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस और 45, राइट। अगर मैं अब इसे लिखता हूँ टेन 180 प्लस माइनस थीटा इज टेन थीटा, सेम तरीका साइन और कॉस वाला, तो अमाउंट तो मिल गया, अब बस सिंबल आइडेंटिफाई करना है। सिंबल में एंगल कितना जो होता है 135, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में टेन तो कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये हो गया माइनस टेन मल्टीप्लाई किया है वन, वैल्यू क्या आ गई माइनस। एक ही वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, आपको वैल्यू ऑनली कहां तक याद रखनी है, 0 to 90 तक, बाकी तो आप किनसे निकालने वाले हो, फॉर्मूला से, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, ब्रेक करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे मान लो आपको गिवन है बेटा टेन ऑफ 225, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूँ दैट इज टेन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट, दैट इज इक्वल। अगर मैं यहाँ पर इसे लिखूंगा तो tan 180 प्लस माइनस थीटा इज tan थीटा, तो ये तो आ गया अपना tan 45, ठीक है। अब बात आती है बेटा यहाँ पर कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, सो ये एंगल कितना है 225 में, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव, देखो प्लस आ गया और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी। सो देखिए अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ तो मैंने तीन फॉर्मूले बताए हैं और इनकी वैल्यू जाती है तो बाकी रिलेटिव भी तीन फंक्शन की वैल्यू भी अपने आप हम निकाल सकते हैं वही सेम तरीके के फॉर्मूला लगाकर, तो आप ये नोट डाउन कर लो और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, देन डिस्कस करेंगे आगे की वैल्यूज कि मोर देन 180 की वैल्यूज हो उनको कैसे सॉल्व करना है या नेगेटिव वैल्यूज है उनको कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार आप ये सारा कॉपी कर लो, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।